साल 2004 18 अक्टूबर का वो दिन जब सुरक्षा बलों ने दस्यु सरगना और कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन को एक मुठभेड़ में मौत के घाट उतारकर चैन की सांस ली। घनी मूंछों वाला वीरप्पन कई दशकों तक सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बना रहा। हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथियों की जान लेने वाले और करोड़ों रुपए के चंदन की तस्करी करने वाले वीरप्पन ने तस्करी के अपने अभियान को अंजाम देने के दौरान करीब 150 से ज्यादा लोगों की जान ली और उनमें से आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। वीरप्पन ऐसा नाम जिसके नाम का खौफ न सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक और केरल में भी था। वीरप्पन के कारनामों की चर्चा देश के अलावा विदेशों में भी हुआ करती थी। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ वीरप्पन जब बड़ा हुआ तो एक खूंखार चंदन तस्कर के रूप में कुख्यात हुआ। वीरप्पन पर सैकड़ों लोगों को मारने और करीब 2000 हाथियों की हत्याओं का आरोप था। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके वीरप्पन की तलाश करीब 20 साल तक चली थी। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुए वीरप्पन का पूरा नाम कुजमुनि स्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वे 17 साल की उम्र से ही हाथियों के शिकार करने लगा था। इस खूंखार शख्स के बारे में एक बात और कुख्यात थी कि वे हाथियों के माथे के बीच में गोलियां मारता था। हालांकि वीरप्पन को ढूंढने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर करीब 20 साल करोड़ों रुपए खर्च कर ऑपरेशन चलाया था, लेकिन हर बार वे बच निकलता। वीरप्पन को मारने वाले के विजय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ा भी था, लेकिन वे किसी तरकीब से भाग निकला। फिर कुछ दिन बाद वीरप्पन ने उसी अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया था और उसके सिर को काट दिया था। इसके अलावा विजय कुमार बताते हैं कि साल 1993 में वे एक बार पुलिस से घिर गया और जब उसे लगा कि नवजात बेटी के रोने के कारण पकड़ा जा सकता है तो वीरप्पन ने उसका गला ही घोट दिया। वीरप्पन के निशाने पर अधिकतर पुलिस वाले वन अधिकारी ही रहे। दशकों तक वीरप्पन ने चंदन लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी की। एक समय था जब कहा जाता था कि वीरप्पन ने तमिलनाडु केरल और कर्नाटक के जंगलों को अपनी मूंछों में बांध रखा था। वीरप्पन जितना कुख्यात अपने कारनामों के चलते था उतना ही मशहूर अपनी मूंछों के लिए था। वीरप्पन के साथी भी कम खतरनाक नहीं थे। वे अपने सरगना के इशारे पर जान लेने को उतारू रहते थे। वीरप्पन से तंग आकर जयललिता सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसका काम वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का था। इस काम के लिए के विजय कुमार को चुना गया था। हालांकि पहले भी सरकार करोड़ों रुपए वीरप्पन की तलाश और अलग अलग टास्क फोर्स बनाने पर खर्च कर चुकी थी, लेकिन विजय कुमार को जब मुखबिरों से पता चला कि वीरप्पन की आंख के इलाज के लिए जंगल से बाहर निकलने वाला है, तभी उसे 18 अक्टूबर 2004 में 20 मिनट के एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था।